रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। आ रहे हैं आफत भरे चार दिन, 9 से 12 जून तक घरों में कैद हो जाएगी जनता। नई दिल्ली, लगातार चिलचिलाती गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों के लिए अगले चार दिन आफत भरे होने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने 9 जून से दिल्ली में आंधी व बारिश का अलर्ट जारी है। हालांकि इससे पहले 8 जून को भी मौसम के करवट लेने की आशंका जताई गई थी। विभाग का कहना है कि 9 से 12 जून के बीच दिल्ली NCR के लोगों को तेज आंधी और बारिश का सामना करना पड़ेगा। तेज आंधी के चलते जहां पहले भी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वहीं दिल्ली में हल्की बारिश से ही जाम की समस्या एक बार फिर लोगों के सामने परेशानी का सबब बनकर आने वाली है। ये भी पड़े, यूं तो जून बीते 7 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक लोगों को प्री मानसून की एक जोरदार बारिश से चिलचिलाती गर्मी में राहत नहीं मिली है। हालांकि कुछ एक बार हवाएं जरूर ठंडी हुई, लेकिन राहत न के बराबर है। गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान बढ़कर 41.4 डिग्री पहुंच गया, वहीं न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री दर्ज किया गया। पालम का तापमान 42.4 डिग्री रहा तथा हवा में नमी का स्तर 35 से 45% रहा। वैसे 8 जून को भी अधिकतम तापमान 40 व न्यूनतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि इसके आगे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। ये भी पड़े, स्काईमेट के अनुसार जून में दिल्ली में औसत बारिश 82 mm होती है, पर अब तक बारिश ना हो पीने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 9 जून की रात को आंधी आने की आशंका है, इसकी वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी 9 जून को आंधी और बारिश आ सकती है। ये भी पड़े, वहीं मौसम विभाग ने 450 करोड़ के 8 पे टॉपलॉप के कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी नई पूर्वानुमान व्यवस्था शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था में 12 ग्रिड किलोमीटर स्केल यानी 114 वर्ग किलोमीटर के दायरे तक का काफी सही आकलन किया जा सकता है। इस नई व्यवस्था में एक ही जगह पूरे 21 मॉडलों का इस्तेमाल कर पूर्वानुमान किया जा सकेगा, जिसकी वजह से जानकारी ज्यादा सटीक